नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गोभी के पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। गोभी को इस तरीके से कट कर लिया है और धो लिया है अच्छे से एक पानी में। 4-5 हरी मिर्च, लहसुन की कलियां 4-5 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। बेसन को छान करके रख लिया है, हरी धनिया को धो करके रख लिया है और ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये नमक स्वाद के अनुसार। हमने इतने ही मसाले लिए हैं। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये एक बर्तन ले लेंगे, भगोनी या बर्तन कुछ भी रख लीजिए, उसमें पानी डाल देंगे और गैस को तेज फ्लेम में चालू कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे गोभी। गर्म है पानी तो इससे आराम से गोभी डालेंगे और इसको थोड़ा सा बॉईल हो जाने देंगे। थोड़ा सा इसको चला देंगे कि जो भी हमारा नमक इसमें था तो अच्छे से मिल जाए पूरी गोभी में। ये देखिए कैसे खोल रहा है पानी और ये कैसे हमारी ये गोभी भी अच्छे से खोल गई है, उबल गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमको ज्यादा नहीं उबालना है, केवल 2 मिनट ही उबालना है ताकि हल्की नरम हो जाए। और इसको एक तरीके से छान लेंगे छन्नी से और एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। पहले इस तरीके से एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डाल देंगे सारी धनिया पत्ती, हमने जो धनिया पत्ती ली थी, और ये 4-5 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और ये जो हमने नमक लिया है ये डाल देंगे, थोड़ा सा आधा नमक डालेंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा डालेंगे और ढक्कन को बंद करके इसको अच्छा बारीक पीस लेंगे। ये देखिए एक बर्तन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने ये देखिए चटनी बनाई है, ये डाल देंगे पूरा इसी में। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। और डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच ही डालेंगे बेसन और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये बैटर गीला था ना वो अच्छे से सूख जाए। अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, पूरा धनिया पाउडर इसी में डाल देंगे और इसे भी इसी तरीके से अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे गोभी, सारी गोभी डाल देंगे इसमें और इसे हाथों से अच्छे से इस तरह से कोट कर देंगे मसाले को इसी में। ये जो हमने चटनी बनाई थी वो पूरा अच्छे से इसमें कोट हो गई है, ये देखिए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब जब तक हमारी गोभी रेस्ट कर रही है, जब तक हम इसके घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये एक बर्तन हमने रख लिया है और उसमें डाल देंगे बेसन, हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने गोभी में नमक पहले से ही ऐड करा है, तो इसलिए इसमें नमक बहुत ही कम डालना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अब ये मिक्स हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल तैयार करेंगे। ये अच्छे से घोल तैयार हो गया है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये हमारा बेसन फूलेगा जब तक हम तेल चढ़ा देते हैं गैस पे। तो जब तक हमारा बेसन और गोभी रेस्ट कर रहे हैं, जब तक हम इसको तेल को चढ़ा देते हैं गैस पे और गैस को तेज फ्लेम में ऑन कर देंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपने पकौड़े। तो गोभी को इसमें डिप करेंगे, ये देखिए इस तरीके से डिप करेंगे और ऐसे डाल देंगे। और अब गैस को कर देंगे मंदी और मंदी गैस पे ही सारे पकौड़े हम डाल देंगे। हमें इन्हें अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है, थोड़ा सा ही ऊपर आ जाए, थोड़ा सा नीचे जब पक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको सबको पलट देंगे। इस तरीके से हमारे पकौड़े अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमारे गोभी के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।